बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र सनोटा गांव में खेत पर मजदूरी करने जा रहे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जैसे यह सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने गुलावटी सिकंदराबाद रोड 5 घंटे तक जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह जाम को खुलवाया। दरअसल ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि मृतक के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे थे। बिजली विभाग ने मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए का चेक दिया, तब जाकर जाम खुल सका। फिलहाल जाम खुलवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बारे में एडीएम प्रशासन ने परिजनों को आर्थिक सहायता के अलावा तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी मृतक मजदूर के परिजनों को देने का भरोसा दिया है। मैं नाम जानना चाहूंगा कौन सा गांव है? गांव सनोटा है, मेरा नाम है। जी, ये जो हादसा हुआ है किन के साथ हुआ है? एक योगेंद्र नाम की लड़की है, उनके साथ हुआ है। जी, उम्र 30 साल, लगभग 30 साल उम्र है, उनकी शादी हो रखी है और 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की है एक लड़का है, अभी छोटे छोटे से हैं और उनके पापा अपाहिज हैं और भैया भी अपाहिज हैं, मतलब घर में काम करने वाले भी हैं, एक भाभी है वो भी अपाहिज हैं। कैसे हुआ था? सुबह के टाइम में, मतलब जो हमारे यहाँ खेती वाले जो हैं उनके यहाँ पर छोल करने आ रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर छोल करने आ रहे तो रास्ते में तार टूटा पड़ा और ये जो तार है, मतलब ये जो लाइन है कि जो तार टूटा हुआ है, इसमें पहले 3-4 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर पहले से ही, और अब ये चौथा, मतलब 5वां हादसा है यहाँ पर इसी लाइन का ही, और यहाँ पर कम से कम 20-25 कट है इसमें लगातार, इसमें इसी की वजह से होते जा रहे हैं। ना कोई पुलिस विभाग कुछ करता और ना बिजली विभाग कुछ करता। तो दुर्घटना हुई थी सर, इसे किस तरह से रिजॉल्व किया गया? तो सनोटा ना सुबह एक बिजली के तारों के टूटे गिरने की वजह से एक कोई गांव में खेत में काम करने जा रहे थे और बिजली का तार छूट जाने से उनकी जल जाने से मृत्यु हो गई थी, जहाँ पुरुष ग्रामीणों ने सड़क भी जाम करने का प्रयास किया। मौके पर सारे अधिकारियों के साथ, एसपीसी का एसडीएम और सीओ इंस्पेक्टर सबके साथ हम लोग पहुँचे, लोगों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया गया है और लोगों की अभी तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कंपनसेशन भी दिया गया? कंपनसेशन विद्युत विभाग द्वारा इनको 5 लाख रुपये का चेक दिया गया है। इसके अलावा चूँकि ये बहुत ही गरीब परिवार था, स्वयं भी विकलांग, इनकी पत्नी विकलांग और कोई है कम इनकम वाले हैं, तो मुख्यमंत्री सर्वित किसान बीमा योजना में भी इनका फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रीय पर्व लाभ योजना का फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें अग्रिम प्रोसेसिंग करके इसकी जो सहायता बनती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।